डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम आयोजित जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में शुक्रवार को अलग अलग टीमों से 3 मैच खेले गए। शुक्रवार के मैच में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया। मैच में रवि स्पोर्टिंग कूड़ाघाट एवं संदीप क्लब पीपीगंज के बीच मैच खेला गया, मैच ड्रॉ हो गया। आदर्श क्लब बेलपार व स्टार क्लब भगवानपुर के बीच खेला गया मैच 1-1 गोल की बराबरी पर रहा। वहीं गोरखा बॉय एफसी एवं सेंट जोसेफ एफसी के बीच मैच खेले गए, मैच में सेंट जोसेफ एसपी ने 0-1 से जीत हासिल की। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि फुटबॉल मैच अनुशासन सिखाता है, टीम के प्रति भावना में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी टीमों के खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, आज का दूसरा स्टार क्लब भगवान फुटबॉल एसोसिएशन के और मैच दोनों खिलाड़ियों को लाइन अप करा दे ताकि बहुत ही खुशनुमा माहौल में आज का वातावरण मौसम बहुत ही बेहतरीन है। जीते लेते हुए मैच का शुभारंभ करते हुए अध्यापक है श्री चंचल सिंह जी, सम्मान समारोह के यहाँ खिला भी रहे टीम भी यादव जी माल्यार्पण, जिन्होंने जिले को फुटबॉल में एक अच्छा मुकाम दिलाया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा साथ में महानगर अध्यक्ष होना है। खिलाड़ी बंधुओं से अपील है कि अपने को तैयार रखें और इस मैच के समाप्त होते ही डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा जो आयोजित एक कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आदरणीय राकेश सिंह पहलवान जी के सुपुत्र बिट्टू सिंह जी द्वारा जिस कार्य को आगे बढ़ाया गया है। वास्तव में ये केवल फुटबॉल मैच नहीं, मैंने जब अभी परिचय प्राप्त किया तो जिस प्रकार से स्थानीय नौजवानों को एक मंच देने का काम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कर रहा है, मैं इसका इस पूरे आयोजक टीम को भी बिट्टू सिंह जी सहित पूरे आयोजक टीम को बधाई देना चाहता हूं। ये स्थानीय प्रतिभाओं को उभारने का एक बड़ा मंच देने का काम इन्होंने शुरू किया है और ये परंपरा फुटबॉल मैच केवल फुटबॉल मैच नहीं है, ये अनुशासन कैसे होता है। अगर पूरी टीम में अगर एक गोलकीपर अगर
टीम के भावना के साथ काम न करे और पूरी टीम काम करे तो टीम हार जाती है, और इसलिए टीम भावना और अनुशासन ये बहुत महत्वपूर्ण है मैच में, और ये केवल खेल नहीं है बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को उभारने का एक बेहतर मंच देने का काम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कर रहा है। मैं इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और आयोजक टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि स्थानीय प्रतिभाओं को मौका देने का काम, एक मंच देने का काम ये डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कर रहा है।